नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेक्टिन और डेक्सोना टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है और बहुत तेज़ी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से अपने वज़न को बढ़ा रहे हैं, अपनी बॉडी को बना रहे हैं और इसको अपने शरीर को भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं बहुत दिन से उन्हें इसको कैसे बंद करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस उम्र के लोगों को लेना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ती दवाई है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, बहुत जल्दी असर भी करती है, लेकिन बहुत जल्दी नुकसान भी करती है। कोई भी शॉर्टकट लेंगे आप तो नुकसान तो ज़रूर होगा, ठीक है, ये आपको बात पहले से ही पता होगी। और इस दवाई के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत मशहूर दवाई है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, और इसके नुकसानों के बारे में भी वो लोग जानते होंगे और कई लोग इसके नुकसान को झेल भी चुके होंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या है ये दवाई। ये है साइप्रोहेप्टाडिन, सिप टैबलेट के नाम से है मेरे पास, प्रेक्टिन के नाम से ज़्यादा बिकती है ये प्रेक्टिन, जो कि मैरिंड कंपनी की आती है, और किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये दोनों दवाइयाँ मिल जाएंगी, प्रेक्टिन टैबलेट और डेक्सोना टैबलेट, जो कि एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड हमारे शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक माना जाता है, आगे मैं बताऊंगा वीडियो में आपको। डेक्सोना टैबलेट कैडिला कंपनी की है, 2-3 रुपये की ये आपको 10 गोलियाँ मिल जाती हैं, और ये 20-25 रुपये की आपको 10 गोलियाँ मिल जाती है, लगभग आपको 30 रुपये में ये दोनों पत्ते मिल जाएंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं इन दोनों को किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दोनों दवाइयां हैं, अलग अलग इनके काम हैं, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करके आजकल जो लोग कर रहे हैं वो है वज़न बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, मोटा होने के लिए, चेहरा भरने के लिए, शरीर को भरने के लिए, और जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बना रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मोटे हो जाएं और जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी बन जाए, हमारा फेस भर जाए, जिन लोगों का फेस पिचका रहता है ना, गाल अंदर को घुसे रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमारा फेस भर जाए और हम अच्छे दिखने लगें, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि इसको आप रेगुलर अगर 10 दिन भी ले लोगे ना आप, तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा, इतनी ये तेज़ होती है, क्योंकि इसमें से स्टेरॉइड है वो जल्दी काम करता है, ठीक है। ये तो आपकी भूख को बढ़ाती है, साइप्रोहेप्टाडिन आपकी भूख को बढ़ाती है, और स्टेरॉइड जो है आपको फुला देता है, फुला देता है, यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना वैसे हो जाता है। एक बात भी बताऊंगा अभी कि ये क्या करती है मेन, तो स्टेरॉइड जो होता है, चलो अभी बता देता हूँ कि जो स्टेरॉइड होता है ना, वो स्टेरॉइड क्या करता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी जैसा भर जाता है, खून का पानी बना देती है ये, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पानी भर जाएगा शरीर में उतना ज़्यादा आप मोटे लगोगे, ठीक है, और चेहरा भी भर जाता है इससे, 15-20 दिन के अंदर ही आपका चेहरा भी भर जाता है और आप मोटे भी हो जाते हो, देखने में बढ़िया लगते हो, ठीक है। तो इसके नुकसान जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, और मेरे ख्याल से तो नहीं लेनी चाहिए इसको। अगर हाँ, वैसे डॉक्टर ने आपको कहा है भूख बढ़ाने के लिए 10-5 दिन ले सकते हो और इसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है, जितने दिन डॉक्टर बोले उतने दिन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बस इसको लिया तो बस साल भर, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे इस्तेमाल करते रहे, बस खाते रहे, तो देखिए उससे कोई, आप मोटे तो हो जाओगे लेकिन आपको जो नुकसान मैं बताऊंगा आप ये सुन के आप इसको कभी लोगे नहीं, खाओगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इसको लेने से फेस भर जाता है और मोटे हो जाते हो, ठीक है, और जैसे ही आप इसे बंद करते हो, बिल्कुल जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, वैसे ही इंसान भी
इंसान की भी हवा निकल जाती है और वो पुचक जाता है जैसे गुब्बारा पुचक जाता है। तो बहुत ख़तरनाक मेडिसिन है, इससे आपके शरीर में पानी जमा होता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपकी पाचन शक्ति ख़राब हो जाती है, भूख इतनी तेज़ लगती है कि आप खाते जाते हो और आपका जो पाचन क्रिया है, वो पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाती है, आप कुछ भी पचा नहीं पाओगे, आपको गैस बन जाएगी पेट में, भरा भरा पेट लगेगा। मतलब एक दो दिन तो आपको सही लगेगा, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा आपको। आपका जो लीवर है वो कमज़ोर हो जाएगा इसको लेने से, ठीक है। आपके जो हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ी सी ठोकर से ही टूटने का डर रहता है। लेकिन एक बात है कि ऐसा सभी को नहीं होता है, लेकिन 90% ज़रूर होता है। अगर 100 आदमी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 90 को ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, और होता है, मैंने देखा है, ठीक है। और 10 जो है, कई बार भाई उनका लीवर इतना स्ट्रांग रहता है, इतना मतलब शरीर स्ट्रांग रहता है कि वो मतलब पचा लेते हैं सब कुछ, और मतलब उनको साइड इफ़ेक्ट भी इतने नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं, और वो छोड़ने के बाद भी वैसे बने रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो इसको रेगुलर यूज़ करने का तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसे 1-1.5 महीने 2 महीने से ले रहे हो और आपका शरीर बन चुका है, आप इसे बंद करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि इसे अगर आप 2 टाइम ले रहे थे, दोनों में से एक एक गोलियाँ सुबह शाम, तो 1 टाइम कर देना, फिर आप इसे लगातार 10 दिन 1 टाइम खाना, ठीक है, 10 दिन नहीं तो 5 दिन खाना 1 टाइम, फिर आप 1 दिन छोड़ के खाना 5 दिन, फिर 5 दिन आप 2 दिन छोड़ के खाना 5 दिन, 3 दिन छोड़ के, फिर 1 हफ्ते में 1 हफ्ते बाद खाना इसे, एक ही डोज, ठीक है, एक ही खुराक, फिर आप इसे 10-12 दिन बाद ऐसे खाना, मतलब कि ऐसे आप इसे धीरे धीरे बंद कर सकते हो, ठीक है, और इसके नुकसान से काफ़ी हद तक बच भी सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर यूज़ ना करें इसे और हाँ, एक बात और कि आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, बहुत बड़ी से मतलब है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है कई लोगों को, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर करते भी हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछ लेना, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा होता है, वहां पे एक बार ज़रूर पूछना पड़ेगा उनको कि डॉक्टर साहब हम ये मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर होंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं, वो इस दवाई को लेने से बिल्कुल सख्त मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता होता है इसके साइड इफ़ेक्ट है, स्टीराइड है, तो स्टीराइड को लेने को कोई भी डॉक्टर नहीं कहता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत गंभीर बीमारी है कोई, और स्टीराइड देना पड़ रहा है तो दे देते हैं। और जो इसकी देखिए डोज तो मैंने बताई दी शायद, हाँ, सुबह शाम लेना होता है इसको, एक एक गोली सुबह शाम लेते हैं लोग, ठीक है, फिर खाली पेट भी इसको ले लेते हैं कई लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खाली पेट तो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा। स्टीराइड है, स्टीराइड तो आपकी हड्डियों को ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, क्योंकि देखिए स्टीराइड आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, खाना खा के लेना चाहिए। देखिए, जो ले रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, लेने को नहीं बोल रहा हूँ, जो पहले से खा रहे हैं भाई वो लोग ले रहे हैं, तो उनको तरीका बता रहा हूँ, और जो तरीका मैंने बताया छोड़ने का, वो तरीका भी आजमाना वो ज़रूर। इसे एकदम से बंद करोगे तो एकदम से आप बिल्कुल पहले से भी बुरे लगने लगोगे, ठीक है। तो एकदम से आपने बिल्कुल तुरंत के तुरंत, जैसे आपने आज खाया कल बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसा जो तरीका मैंने बताया है आपको, धीरे धीरे बंद करना है, 1-2 दिन 1-2 दिन छोड़ के हफ्ते में एक बार ऐसे आप इसकी डोज को ले सकते हो, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट, नुकसान, खुराक और सही तरीका लेने का, छोड़ने का तरीका ये बताना था। इसको लेने का मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको लेना है, आप डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना आप इसको,
ठीक है। और देखिए मैं कोई भी दवाइयों की वीडियो बनाता हूँ तो आपको लेने को नहीं बोलता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो देखकर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। तो जिन दवाइयों के बारे में नहीं पता है तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि किसी की जान पे भी आ जाती है दवाइयाँ खाने के जो साइड इफ़ेक्ट की वजह से, रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो YouTube पे देख के कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के साथ में ही इस्तेमाल करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।